हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं कई दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ आपके सामने, और मैं आज का ये जो मैं एक ब्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज, तो आज का ब्लॉग है शॉपिंग ब्लॉग। मैं और भाभी गए थे कुछ सामान खरीदने, शॉपिंग करने, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग क्या क्या खरीद के लाए हैं। स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाना कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम कुछ पर्स लाए जो हमें काफ़ी पसंद आए, और आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग बताना कि आपको कौन से पर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए, एक तो हम ये पर्स लेके आए हैं, ये हैंडबैग टाइप है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में आजकल पर्स, और इसमें ये छोटी सी चैन भी दी हुई है। इस तरीके से इसको हम टांग सकते हैं, आपको पता ही है। मैं तो पर्सेज वगैरह तो यूज़ नहीं करती, तो मेरे को पता नहीं है, ना शौक है। तो ये शॉर्ट पर्स है ऐसे, और इनको हाथ में लेके जैसे ऐसे चलते हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, सूट पे, साड़ी पे, ड्रेस पे, किसी भी ड्रेस पे अच्छा लगेगा, अच्छे लगते हैं ना। तो ये दो कलर्स में थे, एक सिल्वर और एक ब्लैक, बट हमें ब्लैक ज्यादा अच्छा लगा है ना, तो हम ब्लैक लेके आए हैं। ज्यादा महंगे भी नहीं है, रीजनेबल प्राइस है। और फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे तो मैं आपको जो जो चीजें दिखा रही हूँ सबके प्राइस भी बता दूंगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। और एक पर्स है ये जो कि हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इस तरीके का है, और इसमें ये दो चैन है, हाँ दो ही है, और इसके अंदर, और ये एक बड़ी वो भी दी हुई है इन्होंने, क्या कहते हैं इसको, बेल्ट कहते हैं शायद। तो ये यहाँ पे ज्वाइन करके हम इसको एक बड़ा वो भी बना सकते हैं, पर्स टांगने वाला, बट ये उससे ज्यादा अच्छा ही इसी तरीके का लग रहा है, इस तरीके से कैरी करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है पर्स। तो ये भी हमको अच्छे प्राइस में मिल गया था, हमारे एरिया के आसपास काफी अच्छी मार्केट है जहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइस में चीजें मिल जाती है। तो इस तरीके का ही पर्स है, आप लोग बताना कैसा लग रहा है, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। और एक ही छुटकू सा पर्स है ये इस तरीके की, इसमें छोटी सी चैन है, और इसमें एक अंदर भी है बेल्ट, इससे भी हम टांग सकते हैं, और बाकी इसमें एक बीच में छोटी सी चैन दी हुई है। तो ये भी थोड़ा क्यूट लग रहा था, तो हमने इसे भी ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी ये 3 पर्स है, और आप इसमें बताना कि ज्यादा अच्छा कौन सा लगा आपको, ठीक है। तो आ रही है, मतलब आज 14 है और कल संक्रांति मना रहे हैं, कई जगह 14 बनती है, मतलब हमेशा तो 14 आपकी बार ग्रह नक्षत्र बदल गए हैं, तो इस वजह से रात के 2 बजे से संक्रांति लगेगी। हाँ। और अगले दिन पूरे दिन रहेगी 15 तारीख को, तो इसीलिए हमने आज नहीं मना के, हम मनाएंगे 15 तारीख में, हाँ 15 में। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ संक्रांति मनाई जाती है, तो भाभी मम्मी को हमेशा से बहू होने के नाते सब कपड़ा सामान ये सब कुछ भी मतलब दे देते हैं, तो मतलब कुछ भी पूछ देती है अपने मन से, वो मम्मी को हमेशा हर संक्रांति में पूछती है लेकिन कुछ ना कुछ। तो इस बार वैसे हमारे यहाँ सौसेरा भी होता है, तो वो पकड़वाना पड़ता है, मतलब 14 चीजें 14 साल तक, या फिर 14 चीजें तुम एक बार में दे दो 14 जनों को, तो ये कुछ इस तरीके का हमारे यहाँ होता है। लेकिन वो मेरे को किसी ने पकड़वाया नहीं, तो फिर मैं मतलब जैसे होता है, मैं जैसे मेरे पे आता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। वो तो अपने अपने मन की बात होती है कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, कल संक्रांति है, तो आप सभी अपने अपनी सासों को, अपने 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 से बड़े जो होते हैं, जैसे जेठानी हो गई, सास हो गई, इन सबको आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो देते ही होंगे ना। और वैसे भी दान पुण्य का दिन होता है संक्रांति का, तो इसलिए सब लोग अपने अपने तरीके से दान पुण्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी हर साल जैसे अपनी मम्मी को, सासू माँ को, तो हर साल कुछ ना कुछ कपड़ा देती हूँ। और कपड़ा देना, कहते हैं कि संक्रांति वाले दिन कपड़ा देना बहुत शुभ होता है, मतलब एक किस्म से कपड़ा दो, कुछ भी दो, तो जो तुम्हारी इच्छा हो आप वो सब दे सकते हो। कुछ श्रृंगार का सामान हुआ, श्रृंगार का हुआ, कुछ यूजफुल सामान हुआ, हाँ, तो मैं तो दे देती हूँ। अब बस मैं एक ये लेके आई थी उनके लिए, तो ये एक उनके लिए लेके आई थी, गरम वुलन में है, और इतना वुलन भी नहीं है, ये हल्का वाला वुलन है, मतलब इसको जब ज़्यादा सर्दी नहीं होगी इसे तब भी तुम पहन सकते हो, तुम्हें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और इसके साथ का ये तुझे कह रही हूँ, इसके साथ का ये प्लाजो में मैच करवा के लिए थी, बहुत अच्छा लग रहा है ये। मम्मी के लिए लाई हूँ मैं ये सूट, आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताना। और ये भी बहुत स्टोल अच्छा। मैं अलग से लाई हूँ, हाँ स्टोल में अलग से लाई हूँ, एक ये है, ये थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे इसको मम्मी ले लें, चाहे इसको
मैं दो लेके आई थी, एक प्रीति के लिए और एक मम्मी, जिसको भी जो सा भी पसंद आएगा वो ले लेगा उसे। और फ्रेंड्स मैं ये लेके आई थी सॉक्स, वूलन सॉक्स हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो इसलिए मैंने सोचा ले लेती हूँ। ठंडी इतनी पड़ रही है, बस ये लेके आई थी। ये वाली थोड़ी कॉस्टली है, ये थोड़ी इनसे भी ज़्यादा अच्छी है। ये थोड़ी लाइट मतलब ये थोड़ी हल्की है, ये इनसे भी ज़्यादा हैवी है। वूलन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है और मुझे बहुत अच्छे प्राइस पर मिल गई। तो मैं सारी शॉपिंग आपको पता ही है मैं तुराब नगर से करती हूँ और ये सारी शॉपिंग मैंने तुराब नगर से ही की है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कोई सामान भी अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। और फ्रेंड्स आप में से कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बनाती हूँ, तो मैं सोच रही थी, मैं ये कह रही थी कि क्योंकि मेरी मेरे जो चैनल था ना उस पर एक बार किसी वीडियो की वजह से स्ट्राइक आ गया था, तो उसकी वजह से मेरे व्यूज़ डाउन पड़ गए थे। तो जब व्यूज़ डाउन पड़ गए थे तो फिर मेरे को वीडियो बनाने का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था बिल्कुल, जो आते थे उससे भी ज़्यादा डाउन पड़ गए वो। तो जब से मैंने वीडियो डालनी बंद कर दी बस, और देखूंगी आगे कभी अच्छा लगा तो मैं आगे डालना शुरू करूंगी, वरना तो मैं नहीं डालूंगी। तो ऐसा ही है, जैसा है वैसा ही रहेगा फिर वो। एक होता है ना भाई, उम्मीद मिलती है जैसे अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मन करता है कि भाई हाँ चलो आगे को कंटिन्यू करो, जब व्यूज़ ही नहीं आते तो मन ही नहीं करता फिर कुछ करने का। तो और देखिए यहाँ ये बच्चियाँ क्या कर रही हैं दोनों, आप दोनों क्या कर रहे हो? और इसका जो कलर है वो मस्टर्ड कलर है तो, और इतना कंफर्टेबल है ना, पहन के पता भी नहीं चलता, लाइट वेट है बहुत, पहन के तो मैं दिखा नहीं सकता। फ्रेंड्स अगर आपको ये पर्स अच्छे लगे हो तो आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे आपको कौन सा ज्यादा पसंद है आप बताओ। वैसे भाभी का फेवरेट कलर ब्लैक है ना? नहीं ब्लैक इसलिए है ना क्योंकि ब्लैक जो है ना ब्लैक एक तो गंदा नहीं होता जल्दी से, और ब्लैक सब पे चलता, सब 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 तरीके की साड़ी हो सब पे प्यार हर चीज। और ये ऐसा था भी नहीं मेरे पास, एक था भी पहले तो वो मेरा खराब हो गया इसलिए फिर मैंने दोबारा इसे छोड़ना। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी शॉपिंग और आप लोग बताना आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताना और क्या ज्यादा अच्छा लगा वो भी बताइएगा। और मैं आपको मिलूंगी किसी और वीडियो में, फिलहाल बच्चे हम पूरा हल्ला मचा रहे हैं, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। ये लड़का मानता नहीं बिल्कुल भी। अभी से हाय, बाय कर दो, बाय कर दो फ्रेंड्स, अभी बाय कर दो, अभी बाय नहीं करेगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। ये जानू क्या कर रही है? उसके बाल लिए तो किसी से तो खेलेगी। चलो ठीक है।